सो ऑस्ट्रेलिया हुन जो है वो साफ कर चुके हैं कि जेनुअन स्टूडेंट नो ही वो वेलकम करन जा रहा है, तो फिर स्टूडेंट्स हुन केड़ी गल्लां दा ध्यान जरूर रखना चाहिए, खास तौर पर असी पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट की जो गल करते हैं, आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया हमेशा इन्ना ज़्यादा फोकस करता है कि जेनुअन ही अप्लाई जो स्टूडेंट कर रहा है उसनों ही लिया जाएगा, तो स्टूडेंट कि गल्लां दा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जेकर तुसी ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लेना चाहते हो। सो अज डिटेल में इसे आप गल कर जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, मैं हाँ हरजोत कौर, तो अज सारी खास इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे जी टी वीज़ा तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर हरप्रीत कौर साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है हरप्रीत, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो हरप्रीत, ऑस्ट्रेलिया की गल करिए, इस समय किस तरीके नाल तुसी देखदे हो कि किवें ओह स्टूडेंट्स दी सिलेक्शन कर रहे हैं, किहड़े किहड़े स्टूडेंट्स नूं दा आपां ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया दे विच? बिल्कुल, जे आप ऑस्ट्रेलिया की इस टाइम के उत्ते गल करिए, इस टाइम के उत्ते जे मैं ऑस्ट्रेलिया देखा तो इस टाइम मैं पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो न्यू अनाउंसमेंट्स कीतियां सीगियां फैब दे विच यू ऑस्ट्रेलिया लेके कि असी एक तो पार्ट टाइम इनक्रीज करांगे स्टूडेंट्स का पार्ट टाइम वर्क राइट्स एंड सैकेंडली एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स की बेनीफिट्स देवांगे, तो जे मैं ये दो चीज़ों देखा तो एक्चुअल दे विच ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स चाहिए ने, क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए ने, एक्चुअल पोटेंशियल स्टूडेंट्स चाहिए ने, जिन्हों का एक्चुअल जो इनसेंटिव होवे, एक्चुअल जो उन्हों का मोटिव होवे वो सिर्फ स्टडी करन दा होवे एंड स्टडी करन तो बाद जो हैगा वो उन्हां दी इकोनमी दे विच अपना कॉन्ट्रीब्यूट दे सकन, उन्हां दा फोकस सिर्फ इन्ना ही हैगा, तो जो स्टूडेंट्स पोटेंशियल स्टूडेंट्स होणगे उन्हां दे ही वीज़े आणगे, क्योंकि ऐदा भी नहीं कह सकते कि हुण वीज़े नहीं आणगे, वीज़ा सक्सैस रेशियो ऑस्ट्रेलिया दा होर भी ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाएगा, बट सिर्फ ये होएगा कि हुण उन्हां ने छंटाई करनी शुरू करते, उन्होंने सिर्फ पोटेंशियल स्टूडेंट्स नूं जिन्हां दा एक्चुअल मोटिव ही पढ़ना हैगा ऑस्ट्रेलिया जाके, जिन्हां ने उत्थे जाके कॉलेजेस या अपने कोर्सेज नहीं चेंज करने, अपने कॉलेजेस नहीं चेंज करने, वो सिर्फ उन्हां नूं ही वीज़ा देंगे। जी बिल्कुल, तो जे आप रिजल्ट्स की भी गल करिए, कुछ डिले भी हुण देखा जा रहा है रिजल्ट्स दे विच, उसे भी रीजनस नूं समझना चाहांगे क्योंकि स्पाउस वीज़ा नूं लैके भी काफ़ी डिले जिहड़ा रिजल्ट्स विच आप देख रहे हैं, कि इसनूं आप मान सकते हैं कि आने वाले टाइम क्योंकि हुण जिन्ना ज़्यादा डिले स्पाउस वीज़ा लई दिख रहा है, कि लगता है आने वाले टाइम विच डिपेंडेंट वीज़ा ते स्पाउस वीज़ा ते थोड़ा होर स्ट्रिक्ट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया? नहीं देखो, बेसिकली जे आप गल करें डिपेंडेंट वीज़ा दे उत्ते ता स्ट्रिक्ट दा ओ ऑलरेडी सीगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट दे उत्ते उन्हां नूं सिर्फ यही हुंदा कि जो ऑस्ट्रेलिया दे विच स्टूडेंट्स डिपेंडेंट आ रहे हैं, जो अपने स्पाउस नूं नाल लेके आ रहे हैं, सिर्फ उन्हां दा मेन मोटिव है कि उस एक्चुअल दे विच उन्हां दा विआह होया होना चाहिए, उन्हां दी कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, कि ऐदा ना होवे कि वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाने लिए उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराई होवे, तो ऐदा का कोई प्रॉब्लम ना होवे, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया हजे भी डिपेंडेंट वीज़ा डिपेंडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट के नाल उन्होंने वीज़ा हजे भी दे रहे हैं, तो अगे आने वाले टाइम के भी देंगे, बस स्ट्रिक्ट सिर्फ इन्ना इस चीज़ लिए है कि स्टूडेंट की जो मैरिज है वो जेन्युइन होनी चाहिए है। ठीक है, चलो सो इन गलों का तो असं हमेशा ही थोड़ा इन्होंने वीडियोज़ के जरिए अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि तुम जिन्ना जेन्युइन वे अप्लाई कर दो यकीन होना चाहिए कि उन्ना ही थोड़ा वीज़ा सक्सेस चांसिस बढ़ जाते हैं, जेकर तुम फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाते हो तो फिर तुम मान के चलो अज नहीं तो कल थोड़े फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स फड़े जाएंगे, तो अगर तुम अगो सैटलमेंट की भी सोचते हो तो थानू काफ़ी मुश्किल भी आ सकती हैं, सो ध्यान थानू जरूर रखना चाहिए, साडा फर्ज है थानू अवेयर करना, तो टाइमली असं इन्हों वीडियोज़ के जरिए थोड़े तक सही जानकारी पहुँचाते भी रहेंगे। सो फिलहाल हरप्रीत आप ऑस्ट्रेलिया के नवंबर इनटेक की गल कर लीए, किन्ना कु रश और कदों तक हले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट इस टाइम के उत्ते नवंबर लिए अप्लाई करना चाहता स्टूडेंट अपना हुणे ही अप्लाई कर ले, क्योंकि जे लेट अप्लाई करेगा, क्योंकि इस टाइम के उत्ते स्टूडेंट यही सोच रहा होगा कि हजे नवंबर दे विच बहुत टाइम पिया है तो मैं आराम नाल जुलाई तक अपना अप्लाई कर लूँगा, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना हुणे अप्लाई करूँगे तो टाइमली जी टी क्लीयर होएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दे विच बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैगी, उत्थे सिर्फ हार्डली 40-45 यूनिवर्सिटीज़ ही हैगियां ने, ते ग्लोबली उत्थे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़न लई, हर कंट्री तो इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़न आता ऑस्ट्रेलिया दे विच, ते इस करके यूनिवर्सिटीज़ दे विच रश बहुत ज़्यादा हो जाता, तो मैं यही कहना चाहूँगी जो स्टूडेंट अपना हजे सोच रहे कि मैं अप्लाई कराँ या हजे सोच रहे ने कि हजे मैं आज या पीटी नहीं किया, तुसीं अपना आयल्स या पीटी बुक करके भी अपना कंडीशनल ऑफर लैटर अप्लाई कर सकते हो, जदों भी तुहाडा आयल्स पीटी दा डिसीजन आंदा है तुसीं अपना कॉलेज नूं या यूनिवर्सिटी नूं अपडेट करके अपना अगे दा जीटी प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हो, एटलीस्ट हुण प्रोसेस करन नाल तुहाडे कोल ऑफर लैटर हाथ च होगा, तुसीं अगे जाके तुहाडा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा ज़्यादातर।
ठीक है, बिल्कुल। सो थोड़ा टाइम वेस्ट ना होवे तो थानू इस जानकारी दे उपर इन गल्लां दा ध्यान रखते हुए जरूर अगे वधना चाहिए। बाकी एक चंगे कंसल्टेंट की चोण करनी भी बहुत जरूरी है जो सही मैच करते हुए तुहाडी फाइल का प्रोसैस अगे वधान ते टाइमली तुहाडा वीजा लियाउण दे विच तुहाडी मदद कर सकन। सो हरप्रीत, आपां लास्ट विच भी अपडेट जरूर दे दईए, हुण 22 पास आउट स्टूडेंट्स आ, किन्ना कु फ्यूचर आपां या किन्ने कु चांसिस दी जे मैं गल करां नवंबर इनटेक विच दिखदे ने, क्योंकि असीं सारे जाणदे आ फ्रैश पास आउट स्टूडेंट्स दी वी ढेर सारी फाइलिंग हो रही है। की कहोगे 22 पास आउट स्टूडेंट लई? बिल्कुल, जो 2022 पास आउट वाले हैगे ने जो हजे सोच ही रहे ने कि असी करियर ना करें, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने हुण, क्योंकि 23 दे रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके ने, तो यूनिवर्सिटीज़ ने कईयां ने बोल दिता होया कि असी हुण 22 पास आउट नहीं लवांगे, तो होपफुल है कि अगे जाके बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी ये डिसीजन ते आ जाणगे कि असी हुण 2022 पास आउट नहीं लवांगे, असी हुण सिर्फ रिसेंट पास आउट लोंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी नूं अपना डिसीजन पॉजिटिव चाहिए, उन्हां नूं चाहिए कि साडे कोल सिर्फ वीज़ा आवे, स्टूडेंट का रिफ्यूजल ना आवे, तो इसी करके वो जो हैगा यूनिवर्सिटीज फ्रैश पास आउट नूं उठाना शुरू कर रही ने, तो जो स्टूडेंट अजे सोच रहे हैं 22 पास आउट वाले अप्लाई करन लई, ज़्यादा गैप ना पाओ नवंबर लई, जल्दी तो जल्दी अप्लाई करो, सो दैट कि तुहाडा गैप जिन्ना ज़्यादा वधाओगे उन्ना ज़्यादा तुहाडी GT दे विच भी प्रॉब्लम आएगी एंड यूनिवर्सिटी एंड एम्बेसी दे टाइम ते भी प्रॉब्लम आए। जी 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 बिल्कुल। सो तुहानू किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम ना आवे, स्मूथली तुहाडा प्रोसैस होवे, इजली टाइमली अप्लाई करना, सही ढंग दे नाल अप्लाई करना और एक चंगे कंसल्टेंट दी सलाह लैके अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आई होप अज की वीडियो तुहाडे लई काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जेकर तुसीं ऑस्ट्रेलिया लई अप्लाई करना, कोई डाउट है, कोई सवाल है, इस नंबर ते तुसीं कॉल कर सकते हो, कमेंट सैक्शन विच भी अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हो। तो बहुत बहुत थैंक्स हरप्रीत, ऑस्ट्रेलिया बारे काफ़ी खास पॉइंट्स तुसीं स्टूडेंट्स नाल सांझे किए ने, तो अगों भी असीं होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके तुहाडे सामने आते रहेंगे। फिलहाल लई दिओ जी इजाजत, धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।